नमस्कार, लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूँ शिवानी ठाकुर। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन द्वारा सुझाव मांगे जाने के बाद से लगातार इस पर विवाद शुरू है। कांग्रेस पार्टी ने लॉ कमीशन और सरकार दोनों पर सवाल उठाए हैं। 14 जून को लॉ कमीशन ने लोगों से इस विषय पर अपनी राय मांगी थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राय मांगी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आयोग ने साल 2018 में एक राय पत्र जारी किया था। अगर समान नागरिक संहिता लागू किया जाता है तो अलग अलग धर्मों के निजी कानून खत्म हो जाएंगे। लॉ कमीशन द्वारा सुझाव मांगे जाने के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख इस विषय पर अपनी राय देने वाले हैं। उन्होंने 30 दिनों का समय मांगा है। इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है, इनके फायदे क्या क्या हैं, लोग इनके समर्थन में क्यों खड़े हैं, और अगर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों को एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी धर्म और जातियों पर समान रूप से लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। अब बात करते हैं कि यूनियन सिविल कोड के आखिर फायदे क्या है, इसके पक्षधरों के दलीलें क्या हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से कानून में स्पष्टता भी आएगी जिससे आम लोगों को कानून समझने में दिक्कतें नहीं होंगी और कानून को आसानी से समझाया जा सकेगा। साथ ही देश में व्यक्तिगत या फिर धर्म कानून के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी समाप्त किया जाएगा। क्या भारत में वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? जी हाँ, इस पर बात करेंगे। भारत में अभी शादी, तलाक और जमीन का बंटवारा या फिर वारिस को लेकर अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, जिस वजह से कोड पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो धर्म के आधार पर निजी कानून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर शादी हो या तलाक या विरासत विवाद, सबके लिए कानून एक ही होगा। अलग अलग धर्मों में इन मामलों को लेकर अलग अलग प्रावधान है, इसलिए इनको लेकर उठा विवाद सालों तक लटके रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समस्या का समाधान कर देगा। इससे देश की एकता भी मजबूत होगी। हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म जो भी हो, एक ही कानून से निर्देशित होगा। जटिल मुद्दे सरल हो जाएंगे क्योंकि निजी कानून खत्म हो जाएंगे, इसीलिए किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हो पाएगा। कुछ समुदाय में पर्सनल लॉ के चलते महिलाओं का हक सीमित है। ऐसे में यदि यूनियन सिविल कोड लागू हो जाता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। वीडियो में अब बात करेंगे कि लोग आखिर यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं, उनका तर्क क्या है। जो लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं उनका कहना है कि क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लिहाजा उनके ही कानून को पूरे देश को पालन करना होगा। यूसीसी उनका एक जरिया है। इनकी राय में यूसीसी संविधान प्रदत्त मूल अधिकार के भी खिलाफ है। उनके अनुसार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 दोनों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा है, वहीं अनुच्छेद 25 में अपने धर्म की मान्यता या फिर प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं कि यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों का मत क्या है। कांग्रेस पार्टी ने यूसीसी का विरोध करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने कहा है कि वास्तविक कारण 21वें लॉ कमीशन ने साफ तौर पर कहा था कि इस समय समान नागरिक संहिता की जरूरत देश में नहीं है, इसलिए मोदी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है ताकि वो ध्रुवीकरण की अपनी राजनीति कर सके, जैसा कि वो हमेशा करती आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी असफलताओं से
लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीति कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस मामले पर कहा है कि यूसीसी पर सभी हितधारकों, समुदायों और विभिन्न धर्म के सदस्यों के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रॉयन ने कहा है कि केंद्र सरकार लोगों को नौकरी देने के बाद ही महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम रही है, इसीलिए हताशा में ऐसे कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि जब महंगाई पर काबू नहीं कर सकते हैं, जब नौकरियां नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से विभाजनकारी राजनीति से देश में आग भड़का रहे हैं। वहीं यूसीसी पर भाजपा के पक्षधरों का कहना है कि लॉ कमीशन को फिर से इस विषय पर लोगों से राय मांगने का पूरा हक है, क्योंकि 21वें लॉ कमीशन ने जब रिपोर्ट मांगी थी तब से अब तक 3 साल से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है और अब देश में परिस्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में लॉ कमीशन को एक बार फिर से इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने का पूरा हक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता इस वक्त देश की जरूरत है और इस पर विचार करना जायज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर आपके क्या राय हैं? आप इसके पक्षधर हैं तो उनके कारण क्या हैं? आप इसका विरोध करते हैं तो आपके कारण क्या हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में होनी चाहिए थी और मैंने इस मुद्दे पर बात नहीं की, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख बताइए। विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव 24।